जिस भी ऑफिसर की ये गलती है वो भरपाई करे, वो बच्चे का घर का भरपाई करे और जल्द से जल्द ये डैम तोड़े। नहीं तोड़ने में अगर इसके आगे किसी की जान गया ना, सब औरतें उसके घर में या उसके ऑफिस में चप्पल चप्पल से मारी। ये मैं रिधा रशीद बोल रही हूँ। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और बच्चे की भरपाई करे। धन्यवाद। मैडम, क्या आज डैम पे आप लोग यहाँ दौरा करने आए थे, क्या वजह थी, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज हम लोग आए, कल पता चला कि एक बच्चा 17 साल का बच्चा यहाँ गुजर गया है, तो उसके लिए आज हम लोग भी देखने आए कि वही डैम के बारे में सुना था, डैम कैसा है, क्या बनाया हुआ है। तो आज देख के बहुत अफसोस हुआ है कि इस तरीके से मुमरा में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से है, लोगों की जानी गई है। मैंने सुना है और अपने सोशल मीडिया पर देखा है कि यहाँ के जो लोगों ने मांग की थी कि डैम बनेगा, इतने लोगों को पानी मिलेगा, इतना होगा, लेकिन पानी तो आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन मुमरा के काफ़ी लोगों की जान गई है इसमें। आज मैं सुनना चाहती हूँ उन लोग की वापस से आवाज़। मैं मांग भी करूँगी उन लोग से जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई थी कि पानी मिलेगा। आज जो 17 साल का बच्चा गया है उसके घर को मुनाफा ये लोग पहुँचाएंगे, भरपाई करेंगे जिन्होंने मांग की थी डैम की। और इतने सारे प्रोजेक्ट है जो बंद पड़े हैं, उसमें से ये भी है जो जानलेवा हो रहा है। हॉस्पिटल बंद पड़ा है, यहाँ के रास्ते अधूरे पड़े हैं, यहाँ के पानी अधूरा आ रहा है, यहाँ पर बिजली अधूरा आ रहा है, यहाँ पर ऐसे डैम आधे पड़े हैं जिनके जान जा रही है। तो यही देखने आए थे और बहुत अफसोस हुआ कि इस तरीके से चीज़ें देख के। तो जैसे डैम जो है खतरनाक है, तो इस पर आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या इस पर करेगी कार्रवाई? हम मांग करेंगे जो बच्चा कल गुजरा है उस पे जो भी यहाँ का अधिकारी होगा, जिसने ये काम कराया होगा, जिसके अंडर में काम हुआ है, उस पे केस बनाया जाए। पहला तो उस पे केस हो, उसके बाद अगर ये डैम पानी नहीं जमा कर पा रहा है या एक दो दिन का पानी हो रहा है, तो मुमरा 14 लाख के एरिया को इस पानी बस नहीं होगा, एक दिन का पानी कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं है नीडेड तो इसको तोड़ा जाए। और मैंने तो सुना है फॉरेस्ट ने लास्ट टाइम ही जब कुछ लोग गुजरे थे इसमें तभी कहा था इसको निकाल दिया जाए, लेकिन बस फंडिंग आया, अभी भी वो तार मारा है। वो तार आपको दिख रहा है, वो तार बचने वाले में से कुछ बच्चा भी उसको हटा के जा सकता है, वैसा तार किया गया है। ना ही उसकी हाइट है, ना ही उस पर कुछ काम है, बस फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया गया। अश्विन भाभी, जिस तरह से अभी कल की एक न्यूज आपने देखा होगा, एक 17 साल के बच्चे का जो है डैम में नहाने की वजह से डूब जाने पर मौत हो गई, जबकि वहाँ के सूत्रों का कहना है, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये डैम म्यूनसिपाल्टी बोलती हमारा नहीं है, और TMC ये अपना फॉरेस्ट लोग बोलते हैं हमारा नहीं है, जबकि आज जो काम आप लोगों की पार्टी को करना चाहिए था, डैम पर जाकर के उसको देख रेख करना चाहिए था, जाकर के उसका सर्वे करना चाहिए था कि आखिर क्या हो गया है, वहाँ की जाली वगैरह टूटी हुई है, वो काम आज जो है BJP की नेता रीता राशिद ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया, और उन्होंने ये आश्वासन दिलवाया है कि अगर डैम की निगरानी करने वाला कोई नहीं है तो हम वहाँ पर अपना एक चौकीदार बिठाने के लिए मांग करेंगे। जबकि इस डैम की शुरुआत आप लोगों ने की, आपकी पार्टी ने की, तो इस पर आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अच्छी बात है कि रीधा रशीद ने वहाँ पे जाके सर्वे किया। रही बात जो कल एक नौजवान बच्चे का जो इंतकाल हुआ है, उनकी जो उसमें जान गई, इसके लिए हमें बहुत ही अफसोस है, क्योंकि हमारे नौजवान इस तरीके से अगर मतलब उनका कुछ होता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो पहली चीज़ जो है, वहाँ पर जब फेंसिंग किया हुआ है वहाँ पर, तो इन लोगों को उस डैम में जाना ही नहीं चाहिए। समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। हम तो कंटिन्यू जो है कलेक्टर से, देखो उसको बजट आया था, कलेक्टर से हमने कंटिन्यू, हमारी मांग है कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो। पिछले साल भी हमने ये मांग की थी और इस साल भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है कंटिन्यू काम कर रहा है। उस कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा गया था कि आप लोग जो है आपका पर्सनल आदमी वहाँ पे बिठाओ इससे। और ये आज चलो डैम बना है इसलिए लोग डैम 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 बार बार बोल रहे हैं। इससे पहले भी तो वो खड़ी मशीन थी, उसके पीछे जो है DK डैम है, DK डैम में भी कई हादसे हो चुके हैं, तो वहाँ का इशू आज तक किसी ने नहीं उठाया। वो तो हम ही बार बार, शानू पठान है, शमीम खान साहब है, आवार साहब है, कंटिन्यू उसके फॉलो में रहते हैं। अभी कहने का ये मतलब अभी नहीं, नहीं, आपने अभी इस बात को छेड़ा है तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए कैसा है, अभी रीधा रशीद ने, वो मैडम ने कहा
कि हम लोगों को वो चप्पल दिखाएंगी, तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर समंदर में लोग अगर डूबकर हादसा होता है तो क्या आप समंदर को बंद करा देंगे? नहीं ना, आप सेफ्टी पकड़ोगे। ये बात अलग है कि हमने हमारी सेफ्टी रखना चाहिए, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का होना ज़रूरी है। वो उन्होंने आज जो आकर मांग की ना, इसके लिए हमने कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हाल ही में ऐसा है कि मार्च 2020 जो ऐसा गया है ना कि पूरा लॉकडाउन का पीरियड यहाँ पे चला गया है, जिसकी वजह से हमारा जो है कलेक्टर के तरफ जाना है या उनके पास मांग करनी या महासभा का इशू ही नहीं हुआ। नहीं तो हम लोगों को कंटिन्यू हम लोग उनसे यही बात कर रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे कलेक्टर के ज़रिए से जो काम चालू है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आप बिठा दो। क्योंकि उस दिन भी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, ये हादसे के 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ पर जो पुरानी खदान थी वो खदान की कोई मालकिन नहीं निकल कर आई, और उसने जो है रात के अंधेरे में वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ उसकी आई और उसने कुछ उसका स्क्रैप रखा हुआ था वो ले जाने के लिए उसने जेसीबी से बाकायदा कलवट को खोद दिया, उसने कलवट तोड़ दिया, जो कलवट दरगाह पे आने जाने वाले लोगों के लिए हमने बनाया था। मैं शानू पठान अपने जाती पैसे से वहाँ पे दिए थे उस वक्त भी और अभी आप लोग बोलते हो फॉरेस्ट वाले बोलते हमारी ज़मीन नहीं है, उस वक्त फॉरेस्ट के अधिकारी आए थे कि भाई ये हमारी ज़मीन है, आप कैसे यहाँ पे काम कर रहे हो? फिर हमने कहा भाई हम यहाँ पे कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे, दरगाह के लिए जो न जाने का रास्ता है वो दरगाह के जो मुजावर है वो लोग सही कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, भले से हम लोग नहीं पहुँचे लेकिन ज़हूर फक्की और भी दूसरे हमारे जो लोग भाई लोग हैं उन्होंने ही जाकर पहले पुलिस को बुलाया और उन्होंने ही जाके वहाँ पे उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं रहता है करके, अब ये हादसा होना था हो गया वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है मैडम। लेकिन पिछली बार जो है ऐसे हादसे हुए थे तो डैम को बंद कर दिया गया था, तो अभी सीज़न शुरू होने से पहले जो है डैम को दोबारा से रियो देखिए डैम को बंद करना कोई अकलमंदी नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि ये डैम का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है वहाँ पे कोई मशीनरी लगी नहीं है, वहाँ पे कोई पाइप्स वगैरह लगे नहीं है, लेकिन आप अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो पानी है ज़मीन में सोखता है, और ज़मीन में सोखने की वजह से जो है हमारा बोरिंग का पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। पहले हम जो है 300 फुट 400 फुट तक जाते थे लेकिन पानी नहीं लगता था ज़मीन में, आज वही आप देखो तो 200-250 फुट पे आपको पानी लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पानी जो है ज़मीन में जज्ब होके हमको मिल रहा है ना। आज बावड़ी में जो है पानी नहीं रहता था, बावड़ी का पानी आप देखो तो पूरा सूख जाता था, लेकिन वही आज बावड़ी देखो तो आप बावड़ी में पानी आपको नज़र आएगा। तो टेक्निकली भी आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन ही पानी सोखती है और ज़मीन ही पानी छोड़ती है। अच्छा एक लास्ट सवाल, यहाँ के जो भी गार्जियन हैं बच्चों के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे डैम को लेकर के? देखिए मैं तो हर उन माँ बाप से और गार्डियंस से मतलब रिक्वेस्ट करूँगी और उनसे इल्तिजा करती हूँ दिल से कि बारिश के दिन हो चाहे आम दिन हो, बच्चों के ऊपर ज़रा आप ध्यान दीजिए इस तरीके से। देखिए आज वहाँ पे डैम में बच्चा गिरा है, कल को वो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे सांप का भी डर है, दूसरी भी चीज़ों का डर है, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, वो बड़ा हाईवे है वो हमारा, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ रहती है कि हम बच्चों को मना करें कि ऐसी जगहों पे न जाए, और अगर जाते भी है तो आप लोग साथ में रहिए और बराए मेहरबानी ऐसे डैम में उनको तैरने के लिए मना कीजिए। स्विमिंग पूल बने हुए हैं, अब उनको हमारा जो है एमएम वैली में जो स्टेडियम में स्विमिंग पूल है, अगर ऐसा है तो बच्चों को वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आप जो है पास निकाल के दीजिए, हम उनको वहाँ पर मंगता तो वहाँ पर उनको इंतज़ाम करके दे देंगे। आप उनसे कहिए कि आपको स्विमिंग का इंटरेस्ट है स्विमिंग में तो आप वहाँ पे स्विमिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी गार्ड है, वहाँ पे लोग रहेंगे तैनात, ये जो है स्विमिंग की जगह नहीं, डैम जो है पानी जमा करने के लिए बनाया गया है। और जहाँ तक है तो देखो हादसे होते हैं तो इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर गार्ड आ जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं।